अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 12th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक हमने ओम्स लॉ वगैरह के बारे में सब कुछ पढ़ा है और हमने ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस निकाला था और रेजिस्टेंस भी पढ़ा था। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी डिपेंडेंस क्या होती है, मटेरियल पे कौन डिपेंड करता है, माइक्रोस्कोपिक कौन प्रॉपर्टी है और माइक्रोस्कोपिक कौन प्रॉपर्टी है। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीजें हमने अभी तक क्लियर कर दी। आज हमने क्या करना है, आज हमने टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ने हैं, मतलब कि जो हम डे टू डे लाइफ में रेजिस्टर्स पढ़ते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, हम कौन कौन से रेजिस्टर यूज करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे हमारे पास दो तरह के रेजिस्टर्स होते हैं। तो एक को बोलते हैं वायर बाउंड रेजिस्टर और दूसरे को बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर और कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर। ये चीज याद रखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो उतना तगड़ा नहीं है क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है, तो यही पढ़ना है हमने। तो जो रेजिस्टर्स के टाइप्स है वो कितने हैं, तो वो यूजुअली दो है। तो पहला कौन सा है, पहला है वायर बाउंड रेजिस्टर। वायर बाउंड रेजिस्टर और दूसरा है कार्बन रेजिस्टर। कार्बन रेजिस्टर, ठीक है। तो ये जो वायर बाउंड रेजिस्टर होता है, सर ये क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है और इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है और ये कहां पे यूज होता है वो देखना है। ये जो वायर बाउंड रेजिस्टर होता है ना, एक्चुअली क्या किया जाता है कि अलॉयज की वायर, अलॉयज को लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको अलॉयज के बारे में बोला था कि अलॉयज का जो अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, जो हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस पे जो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो मैंने पढ़ाया था वो है। तो वो जो अल्फा इनका होता है ना अलॉयज का, तो वो आपको पता है कि वो बहुत कम होता है। जितना ज्यादा अल्फा होगा ना, तो अल्फा का मतलब है कि जितना आप टेम्परेचर चेंज करेंगे उतनी तेजी के साथ रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा, मतलब कि पर डिग्री कितनी तेजी के साथ रेजिस्टेंस चेंज हो रही है उस चीज का नाम देते हैं अल्फा, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो अल्फा होता है ना अलॉयज का, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर अलॉयज की बात कर रहा हूं, मैं वायर बाउंड की बात कर रहा हूं, तो ये अलॉयज की बनी होती है। किनकी? ये जो रेजिस्टर्स होते हैं वायर बाउंड रेजिस्टर्स, ये अलॉयज की बनी होती है। तो अलॉयज, फॉर एग्जाम्पल मैं अलॉय लूंगा यहां पर कॉन्स्टेंटन। तो आपने पता है कि ये जो कॉन्स्टेंटन है ये किसकी अलॉय है, ये कॉपर और निकल की अलॉय होती है। किसकी? कॉपर और निकल की अलॉय होती है। तो उस अलॉय को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंटन। तो इसी कॉन्स्टेंटन की वायर लेते हैं क्योंकि इस कॉन्स्टेंटन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, मतलब कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करें तो इसकी रेजिस्टेंस पे फर्क ही नहीं पड़ता। तो दैट इज वाई ये चीजें लेते हैं, अलॉयज की वायर लेते हैं। कहां पर? वायर बाउंड रेजिस्टर में। तो एक और यहां पर अलॉय का मैं नाम लूंगा मैग्नेनिन। तो मैग्नेनिन जो होता है ये कॉपर मैंगनीज और निकल की अलॉय होती है। तो इसमें कॉपर और मैंगनीज ज्यादा परसेंटेज के होते हैं, निकल बस यही 3-4% होता है। तो कॉपर लगभग 50-60-70% होता है, कौन? कॉपर। निकल 30% लगभग होता है, तो बस ये 2-3-4% जो बचे हैं वो निकल होता है। तो मैग्नेनिन अलॉय लेते हैं। या एक और अलॉय है जिसको हम नाम देते हैं, जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, निक्रोम। तो ये तो आपको पता है कि ये किसकी अलॉय है, ये निकल और कॉपर की अलॉय होती है। तो जो आपके घर में हीटर्स होते हैं, तो हीटर्स की जो कॉइल होती है ना वो इसी निक्रोम की बनी होती है। तो ये जो निक्रोम अलॉय या मैग्नेनिन या कॉन्स्टेंटन अलॉय जो होती है, ये आगे भी पढ़ना है आपने कि इनकी वायरस हम लेते हैं। मैं अभी जवाब दूंगा कि इनकी वायरस हम क्यों लेते हैं। इनकी वायरस इसलिए लेते हैं क्योंकि इनका जो अल्फा है यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत ज्यादा कम होता है, वेरी स्मॉल होता है वो, मतलब कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज करने से इनकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है, मतलब कि वो मोर आर लेस वही की वही रहती है। तो अब अगर इन अलॉयज की,
इन अलॉय मटेरियल्स की वायर लेते तो फिर उनको वाउंड किया जाता है, वाइंड किया जाता है, तो फिर जो आपके पास एक क्वाइल बनेगी तो वो होती है वायर बाउंड रेजिस्टर। कि आपने एक वायर को जो क्या किया, आपने उसको वाइंड कर दिया। और किसकी वायर थी? वो इन अलॉयज की वायर हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि इनकी जो रेजिस्टेंस है वो रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर के मुताबिक वो चेंज नहीं होता। तो ये जो वायर बाउंड रेजिस्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं? इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर, यानी कि इनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर की वजह से चेंज नहीं होती है। टेम्परेचर अगर आप चेंज करें वो चेंज नहीं होता, क्योंकि इनका अल्फा बहुत कम होता है इन अलॉयज का। अब बात ये है कि सर इनकी रेजिस्टेंस कितनी होती है? इनकी रेजिस्टेंस जो होती है उसका रेंज जो है वो फ्यू ओम्स, यानी कि कुछ ही ओम्स से लेके फ्यू हंड्रेड ओम्स तक हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? मतलब कि बहुत है, 100 ओम, 200 ओम, 400 ओम की रेजिस्टेंस भी अगर आपको चाहिए, या 60-70 ओम्स की रेजिस्टेंस चाहिए आपको, तो आप वायर बाउंड रेजिस्टर ले सकते हैं। तो ये है कौन से रेजिस्टर्स? वायर बाउंड रेजिस्टर। ये तो आपने घर में हीटर कॉइल में देखा होगा, तो वहां पर वायर बाउंड रेजिस्टर ही यूज होता है। मगर जो आप मैक्सिमम टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रेजिस्टर्स यूज करते हैं वो वायर बाउंड रेजिस्टर्स यूज नहीं करते आप, वहां पर आप कार्बन रेजिस्टर यूज करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन रेजिस्टर। मैं आपको एक कार्बन रेजिस्टर दिखाता हूं, एक सेकंड। ये मेरे पास जो है ये मदरबोर्ड से मैंने निकाल के रखा है, ये एक वायर बाउंड रेजिस्टर है, जरा आप देखिए इसको। तो आप इस रेजिस्टर को, मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, ये जो ये कार्बन रेजिस्टर होता है। क्या होता है? कार्बन रेजिस्टर। इसमें अगर आप देखेंगे तो 3-4 कलर के रिंग्स दिखाई देते हैं। यहां पर जो पहली रिंग वो ऑरेंज की है, फिर व्हाइट कलर की रिंग है, फिर ब्लैक कलर की रिंग है, फिर थोड़ी दूर के बाद गोल्डन कलर की रिंग है। मगर ये जो तीन रिंग्स है पहले ये क्लोजली है, और जो चौथी रिंग है वो थोड़ी दूर है, वो नहीं भी हो सकती है। ये क्या है? इस पे ये रिंग्स क्या है? इनका मतलब है, मगर ये रजिस्टर नहीं देते हैं कि ये कलर्स कोड होते हैं यहां पर, इन कलर से हम इसकी रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो कलर देते हैं, क्योंकि जब आप कोड देते हैं ना, कभी आप कोड रखते हैं तो कोड से आपको पता चलता है कि क्या इंफॉर्मेशन है। एक्चुअली यहां पर ये जो कलर से ये आपको कोड है किसके लिए? रेजिस्टेंस निकालने के लिए, इनकी रेजिस्टेंस। ये होता है एक जो मैंने आपको देखा, दिस इज अ कार्बन रेजिस्टर। इसके अंदर क्या होता है? तो यही आपने देखा होगा, अगर आपने घर में टेलीविजन सेट देखा होगा, या आपने रेडियो सेट या ट्रांजिस्टर देखा होगा, तो आपने वहां पर उसके मदरबोर्ड पे तो यही इसके छोटे छोटे भी और रेजिस्टर्स होते हैं, और छोटे छोटे रेजिस्टर्स, जैसा कि मैंने आपके सामने दिखाया। ये देखो, ये भी यही है, इनके ऊपर भी आप अगर देखेंगे तो इनके ऊपर भी रिंग्स है, कलर की रिंग्स, आप देखिए। तो ये जो ये वाले ये रेजिस्टर्स हैं, इनको कार्बन रेजिस्टर्स बोलते हैं। तो ये आप मैक्सिमम टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हैं। तो मगर ये जो है, अगर आपने देखा भी तो इनकी ये जो ये है ये कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं। क्या? बहुत छोटे होते हैं। पर जब हम इनको इलेक्ट्रिक ये जो सर्किट में यूज करते हैं या मदरबोर्ड पे लगाते हैं, तो इनपे लिखना कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम इनके ऊपर कलर लगाते हैं, कलर के रिंग्स लगाते हैं, ये बैंड्स लगाते हैं, कलर बैंड्स, ताकि आप उनसे पहचान ले कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है। वही आज हमने पढ़ना है। ये जो कार्बन रेजिस्टर है, जरा मैं इधर बना दूं, कार्बन रेजिस्टर, ये मैक्सिमम टाइम्स जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रेजिस्टर्स यूज करेंगे तो आप कार्बन रेजिस्टर्स ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। आर यू गेटिंग मी? और ये जो है ये बहुत सस्ते बनते हैं, मतलब कि इनके लिए जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही कम होता है। दैट इज वाई ये वाले रजिस्टर्स मैक्सिमम टाइम्स, या ये वाले रजिस्टर्स ज्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हैं। तो इनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है? अगर आप
को वायर बाउंड रेजिस्टर से ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब कि आपको 100 ओम रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, आपको हजारों ओम रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपको लाखों ओम रेजिस्टेंस चाहिए, तो फिर आप इन जैसे प्राणियों का यूज करना है। तो ये जो रेजिस्टर्स है कार्बन रेजिस्टर, इनका यूज करते हैं। तो दीज आर हैविंग वेरी लार्ज रेजिस्टेंसेस, इनकी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। तो कितनी होती है वो मैं अभी निकाल के दूंगा कि इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मगर ये किन का बना होता है वो तो पता है, वो एलॉयज का बना होता है। यहां पर जो ये रेजिस्टर है कार्बन रेजिस्टर, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो चीजें होती है। क्या क्या होता है इसके अंदर, एक रेजिस्टेंस मेटीरियल होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस मेटीरियल। और वो रेजिस्टेंस मेटीरियल क्या होता है, तो वो रेजिस्टेंस मेटीरियल एक्चुअली सिरेमिक पाउडर होती है, सिरेमिक पाउडर। और सिरेमिक पाउडर जो होती है वो मैक्सिमम टाइम्स वो मोर आर लेस क्या होता है, इंसुलेटर ही होता है, वो कंडक्टर नहीं होता। कौन, सिरेमिक पाउडर। इसका मतलब है कि वो करंट को या वो यहां पर जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो उसको डिस्कनेक्ट करेगा। मगर इस सिरेमिक पाउडर को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस मटेरियल। पर ये सिरेमिक पाउडर जो होती है ये तो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगी, तो फिर ये रेजिस्टेंस थोड़ी ना सर्किट में यूज करेंगे। तो इसलिए इस सिरेमिक पाउडर के साथ हम कार्बन मेटल को भी जोड़ देते हैं, तो थोड़ा बहुत कार्बन भी इसके साथ डालते हैं। तो ए मिक्सचर ऑफ सिरेमिक पाउडर और कार्बन जो होता है वो इस जो यहां पर आपको सिलेंडर दिख रहा है इसी सिलेंडर में भरा होता है। क्या क्या, सिरेमिक पाउडर और कार्बन। सिरेमिक पाउडर जो होता है इसकी यही एक्चुअली रेजिस्टेंस देता है। अब ये तो बिल्कुल बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा करंट को, तो इसलिए हम इसके साथ क्या जोड़ देते हैं, कार्बन को, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन जो है इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके साथ जब कार्बन को मिलाया जाता है ये अब थोड़ी बहुत तो रेजिस्टेंस दिखाएगा, ये अब तो रेजिस्टेंस दिखाएगा क्योंकि अब कंडक्ट भी कर रहा है और पूरा का पूरा ब्लॉक भी कर रहा है। अब जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस मटेरियल बनता है, सिरेमिक पाउडर। ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सिरेमिक क्या होता है एक्चुअली। एक्चुअली ये जो सिरेमिक होता है ना ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल होते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड होता है या ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, यही होते हैं। तो इनका ही जो पाउडर होता है उसी को सिरेमिक पाउडर बोलते हैं। तो उसके साथ कार्बन को मिला लो तो आपके पास क्या बनेगा, रेजिस्टेंस मटेरियल। इस डब्बे के अंदर क्या होता है, इस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, यही रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग करी जाती है ताकि इसको अब बाउंड किया जाए, एक सिलेंडर की शेप दी जाए। तो फिर इस सिरेमिक पाउडर और कार्बन को, इस रेजिस्टेंस मटेरियल को ऐसे एक डब्बी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो अब ये जो इसके अंदर है यही रेजिस्टेंस देगा, और यहां पर दो एंड्स निकाले जाते हैं, यानी कि जहां से करंट और करंट जाएगी, ठीक है। सर्किट के लिए दो टर्मिनल चाहिए आपको, लेड वगैरह जो भी होगा मतलब कि वही लेते हैं यहां पर। तो ये जो इसके दो एंड से अब ये है कौन सा रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर, इसी को बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो कार्बन रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, इसकी रेजिस्टेंस जितनी भी होती है वो कैसे निकालती है। उसके लिए इसके ऊपर कलर के रिंग्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट कलर्स के रिंग्स बनाए जाते हैं। तो कितने कलर्स होते हैं, मैक्सिमम 4 कलर्स होते हैं। तो ऐसे मैं अब यहां पर दिखाऊंगा आपको, मैं थोड़ा इसको बड़ा बना दूं ताकि आपको दिखे कि ये जो कार्बन रेजिस्टर होता है, दैट इज वाई इसका एक और नाम है कार्बन कंपोज्ड रेजिस्टर, क्योंकि कार्बन कंपोज किया जाता है किसके साथ, सिरेमिक पाउडर के साथ। तो मैं यहां पर इसको बना दूं, ये है आपके पास क्या, एक कार्बन रेजिस्टर, ठीक है। तो यही रेजिस्टेंस देता है एक सर्किट में। तो अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो तो एक्सपेरिमेंटली नोन होता है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, वो हम देखते हैं लैब में, देखते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। अब वो इसके ऊपर लिखनी है कि कितनी है, क्योंकि ऐसे ही रेजिस्टेंस आप फिर बाद में यूज करेंगे, मार्केट में सप्लाई हो जाएंगे। तो उसकी रेजिस्टेंस हम उसके ऊपर नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर लिखेंगे तो ये बहुत छोटे भी होते हैं, इवन ये डॉट साइज के भी होते हैं, जिनको प्रिंट रेजिस्टर्स बोलते हैं, मतलब कि मदरबोर्ड पे प्रिंट डाला जाता है, इतने छोटे रेजिस्टर्स। तो उसके ऊपर लिखना इसकी
कितनी रेजिस्टेंस है, मतलब कि ये थोड़ी नाइंसाफी है हम लोगों के साथ, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देगा, हमने फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? हम क्या करते हैं, इसलिए वो चीज फैसिलिट करने के लिए कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसके ऊपर कलर के रिंग्स बनाए जाते हैं। कितने कलर के रिंग्स, मतलब कि या तो चार या तो तीन ही होंगे, मगर तीन से कम नहीं होंगे और चार से ज्यादा नहीं होंगे। तो तीन कलर, यहां पर मैं दो तीन बैंड बनाता हूं, ये दूसरा बैंड है, ये तीसरा बैंड है। मैक्सिमम टाइम इज ये जो तीन बैंड है ये आपको क्लोजली सुपेसिट देखेंगे, और जो चौथा होगा, अगर आप चौथा बैंड कलर का बैंड भी होगा तो वो थोड़ी दूरी के बाद होगा। अरे गड़ी में, अगर आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये रियलिटी में भी होता है कि नहीं, तो मैंने आपको ये प्राणी प्रैक्टिकली भी दिखाया। आप अगर देखेंगे इधर, तो यहां पर ये जो तीन कलर्स है ये क्लोजली है, और यहां पर ये जो एक और कलर है वो थोड़ा दूरी पे है। अरे गड़ी में, तो कितने कलर्स होते हैं, इस पे चार कलर्स होते हैं, तो तीन इकट्ठे होते हैं तीन कलर्स, और चौथा थोड़ी दूरी पे होता है। तो इन कलर्स को देख के आप रेजिस्टेंस बता सकते हैं, क्योंकि इन कलर्स का एक कोड दिया गया है। दैट इज व्हाई इसकी रेजिस्टेंस जो निकालती है वो कलर कोड से निकालते हैं। किससे? कलर कोड से, कि इसका कौन कौन सा कलर है और किस कलर को क्या वैल्यू असाइन किया गया, वो मैं अभी आपको एक टेबल दिखा के दूंगा कि क्या क्या होता है। तो यहां पर रेड कलर की रिंग हो सकती है, यहां पर ब्लू कलर की रिंग हो सकती है, यहां पर ग्रीन कलर की रिंग हो सकती है, और ये जो चौथी रिंग होगी ये बस या सिल्वर कलर की होगी या गोल्ड कलर की होगी या तो कोई कलर ही नहीं होगा, नो कलर। याद रखिए, जो चौथी कलर की रिंग होगी जो थोड़ी दूरी के बाद होगी वो बस या सिल्वर कलर की होगी या गोल्ड कलर की होगी या कोई कलर नहीं होगा, ये चीज याद रखिए। तो ये जो बाकी है ये ना सिल्वर हो सकते हैं, ना ये गोल्ड हो सकती है, या नो कलर हो सकते हैं। बाकी ये क्या क्या कलर हो सकते हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा। इसकी रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है, तो इसकी रेजिस्टेंस की फॉर्मूला आर इज इक्विवेलेंट टू, अगर कार्बन रेजिस्टर होगा तो उसकी रेजिस्टेंस जो है कलर कोड से इस फॉर्मूला से निकलते हैं। आर इज इक्विवेलेंट टू ए बी इंटू 10 रेज इट पावर सी प्लस माइनस जो है ए। तो इतने ओम्स की रेजिस्टेंस होती है इसके ऊपर। अब ए क्या है, बी क्या है, ये सी क्या है, और ये कैपिटल ए क्या है, इनका जो वैल्यू है वो कलर से निकलेगा। तो दैट इज व्हाई इसको कलर कोड बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रेजिस्टर इज गिवन बाय ए बी इंटू 10 रेज इट पावर सी प्लस माइनस ए। और ये पहला आपको पहला डिजिट होगा सिग्निफिकेंट डिजिट, ये दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, और ये जो सी है पावर है तो ये आपको डेसिमल मल्टीप्लायर होगा, और ये जो ए है ये आपको बोलेगा कि इस रेजिस्टेंस में कितनी परसेंट का वेरिएशन है, कितने परसेंट की अल्टरेशन है, जिसको टॉलरेंस भी बोलते हैं। तो ये चीज याद रखिए। अब मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर इसका पहला कलर रेड होगा, दूसरा कलर ब्लू होगा, और तीसरा कलर ग्रीन होगा, और चौथा कलर चलो सिल्वर लेते हैं, बताइए इसकी रेजिस्टेंस क्या है। मैं ये क्वेश्चन ऐसे ही रखता हूं, मगर टेबल आपके पहले में बना, टेबल में पहले बनाऊंगा ताकि उस टेबल से आप इसकी रेजिस्टेंस निकाल पाए, और उस टेबल को बोलते हैं कलर कोड टेबल। ठीक है, वो अलग अलग कलर्स का अलग अलग वैल्यू वहां पर असाइन किया गया है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं पहले इसको वीडियो को पास करके वो टेबल बना दूंगा। तो ये मैंने ये टेबल बनाया, तो क्योंकि इसमें टाइम लगता था तो इसलिए मैंने टेबल बना के रखा है। तो इस टेबल का नाम है रजिस्टर कलर कोड, मतलब कि कलर पे हम कैसे कलर को क्या कोड देते हैं, तो वो देखना। इधर कलर होगा, क्या क्या कलर होगा, तो इधर नंबर होगा कि किस कलर को कौन सा नंबर असाइन किया गया, मल्टीप्लायर कौन सा असाइन किया गया, और टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है उसमें कितने परसेंटेज का एरर आ सकता है, या ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, मतलब कि वेरिएशन कितनी आ सकती है, उसको टॉलरेंस बोलते हैं। तो कलर कौन कौन सा होगा वो मैं आपको बता दूंगा। पहला कलर ब्लैक, दूसरा कलर ब्राउन, तीसरा कलर ब्लैक ब्राउन रेड, ऑरेंज, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ये ऐसे ही याद रखना। आप बोलेंगे किस सर को कैसे याद है, मैं बाद में बता दूं जब मुझे कैसे याद है ये सारे कलर, तो ऐसे ही आपको भी याद रखने हैं। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू
ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकेम वेरी वायलेट वायलेट ग्रे व्हाइट गोल्ड सिल्वर नो कलर तो ये कलर्स है पहला ब्लैक फिर ब्राउन फिर रेड फिर ऑरेंज फिर येलो फिर ग्रीन फिर ब्लू फिर वायलेट फिर ग्रे फिर व्हाइट फिर गोल्ड सिल्वर और कोई कलर भी नहीं हो सकता तो इनको क्या क्या वैल्यूज असाइन किए गए हैं तो नंबर जीरो से स्टार्ट करना है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन तक ये नंबर असाइन किए गए मगर याद रखना जीरो से स्टार्ट करना है तो मल्टीप्लायर क्या होगा मल्टीप्लायर भी ऐसा ही है टेन रेज इट पावर जीरो वो कितना होता है टेन रेज पावर जीरो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो होता है वन कोई वन लिखेगा कोई टेन रेज पावर जीरो लिखेगा दिस इज वन एंड द सेम थिंग तो टेन रेज पावर जीरो फिर आएगा टेन रेज पावर वन टेन रेज इट पावर टू इधर देखिए टेन रेज पावर थ्री थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग टेन रेज पावर थ्री टेन रेज इट पावर फोर टेन रेज इट पावर फाइव टेन रेज इट पावर सिक्स टेन रेज इट पावर सेवन टेन रेज इट पावर एट टेन रेज इट पावर नाइन तो फिर टेन रेज पावर टेन नहीं है टेन रेज पावर माइनस वन टेन रेज इट पावर माइनस टू बस नो कलर के लिए कोई मल्टीप्लायर नहीं है तो इधर वाइड तक ही नंबर है टेन रेज पावर नाइन तक मगर गोल्ड सिल्वर का कोई नंबर नहीं इसका मल्टीप्लायर है टेन रेज पावर माइनस वन टेन रेज पावर माइनस टू याद रहेगा ना सिंपल है तो टॉलरेंस क्या है तो इनकी कोई परसेंटेज एरर नहीं होगा बस गोल्ड जो बाद में जो मैंने बोला था कि चौथी रिंग किसकी हो सकती है वो या तो गोल्ड की हो सकती है या तो सिल्वर की हो सकती है या कोई कलर नहीं हो सकता इसीलिए मैंने बोला था तो उनका कोई वैल्यू नहीं दिया गया होगा क्योंकि वो पहले पहले कलर्स नहीं होंगे पहले तीन बैंड्स में नहीं हो सकते न गोल्ड ना सिल्वर वो चौथा हो सकता है तो उनका ये भी नहीं है तो परसेंट यहां पर जो मल्टीप्लायर है वो टेन रेज पावर माइनस वन और टेन रेज पावर माइनस टू है और इसकी जो टॉलरेंस होती है सिल्वर या गोल्ड की तो गोल्ड की होती है 5% और सिल्वर की होती है 10 अगर कोई कलर नहीं होगा तो फिर 20% एरर आ सकता है ठीक है यानी कि 20% अल्टरेशन हो सकती है उसकी रेजिस्टेंस में अब इस टेबल को याद रहा कि नहीं रहा अब आप बोलेंगे कि सर ये तो सिंपल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखना टेरेस पावर 0 टेरेस पावर 1 वो भी टेरेस पावर 9 टेरेस पावर माइनस 1 टेरेस पावर माइनस 2 लिखना बहुत आसान है इधर 5 10 और 20 भी लिखना आसान है मगर ये याद नहीं रहेगा कि कौन सा कलर कब लिखना है ब्लैक को कौन सा है पहले हमें क्या पता है कि ये ब्लैक है हमने ब्राउन लिखा क्या पता कौन सा कलर है तो इसके लिए एक फार्मूला है एक ट्रिक है वो ये चीज याद रखने का तो वो मैं इधर लिखूंगा फिर इस क्वेश्चन को करेंगे ठीक है चलो वो ट्रिक क्या है कि इन कलर्स को कैसे याद रखा जाता है क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया होगा तो आपको टेबल नहीं दिया गया होगा तो टेबल आपने मुंह जबानी याद रखना है तो अब ये टेबल आप कैसे याद रखेंगे तो आप अगर वीडियो को पॉज कर सकते हैं तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं ठीक है तो वैसे आप एनसीईआरटी पे भी ये पाएंगे किसी भी बुक से भी या रेफरेंस से भी पाएंगे ये टेबल मगर मैंने बनाया तो याद रखिएगा ये क्या है अब बात ये है कि इस टेबल को कैसे याद रखेंगे इन कलर कोड्स को कैसे याद रखेंगे इन सीक्वेंस उसके लिए एक ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि एक सेंटेंस आपको याद रखना पड़ेगा वो सेंटेंस क्या मैं इधर लिखता हूं ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट जो आपके घर का गेट है उसकी जो ब्लैक ब्राउन रॉड्स है ना उनको क्या हो गया तो ये स्टेटमेंट ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकेम वो कैसी होगी वो कलर्स ब्लैक ब्राउन कैसी होगी बिकेम वेरी ग्रे वो वेरी ग्रे कलर की होगी वो ब्लैक ब्राउन रॉड्स मगर कब होगी ब्लैक ब्राउन रॉड्स वेरी ग्रे बिकेम वेरी ग्रे When given, जब हमने उनको क्या दिया When given silver color, जब हमने उनको कौन सा कलर किया सिल्वर कलर तो
वो ब्लैक ब्राउन रॉड जो आपके गेट की थी वो कैसी होगी, वो वेरी बिकेम वेरी ग्रे, वो बहुत ग्रे कलर की हो गई। व्हेन गिवन, जब हमने उन रॉड्स को कौन सा कलर दिया था, व्हेन गिवन सिल्वर कलर। इसकी एक और, अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या हो गया, ब्लैक तो पहला ब्लैक ही आ जाएगा, फिर ब्राउन है तो ब्राउन ही आ गया, तो इसलिए मैंने बोला ब्लैक ब्राउन, क्योंकि अगर मैं बीबी बोलता बीबी तो पता क्या बी ब्लैक हो गया बी ब्राउन हो गया, तो ये कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है। बी से तो ब्राउन भी है और बी फॉर ब्लैक भी है, तो कौन सा है, तो इसलिए मैंने पहले ब्लैक ब्राउन रॉड्स, रॉड्स तो आर क्या हो गया रेड, ऑफ ऑरेंज, यूर वाई येल्लो, गेट जी ग्रीन, बिकेम बी, अब तो ब्लैक आ गया, अब क्या आएगा बी मीन्स ब्लू, वेरी वायलेट, ग्रे जी ग्रे, तो अब आप बोलेंगे कि ग्रीन आएगा तो वो इधर ही आया था ग्रीन, अगर आप वहां ग्रे लिखेंगे तो इधर ग्रे लिखा है, पहले ही ग्रे लिखा है तो उधर ग्रीन आएगा, जी मीन्स ग्रीन हियर, तो जी ग्रे, व्हेन व्हाइट, डब्ल्यू मीन्स व्हाइट, गिवन जी ग्रे भी आया ग्रीन भी आया, तो अब क्या बचा जी गोल्ड, सिल्वर कलर का मतलब है कि नो कलर, बस समझ में आया, तो कलर है ही नहीं तो यहीं तक है, सिल्वर कलर तक ही, तो सिल्वर कलर तक ही, ये सारे याद आए, तो ये चीज याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट, ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकेम वेरी ग्रे वेयर गिवन सिल्वर कलर, आर यू गेटिंग मी, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, याद रहेगा आपको, तो इससे आपको ये पूरा का पूरा टेबल याद रहेगा। मगर यहां पर एक और सेंटेंस है जो मैंने देखा है कि वो भी यूज करते हैं कुछ लोग, वो है बीबी रॉय, बीबी रॉय, ये एक बंदा है उसका नाम है बीबी रॉय, बीबी रॉय कहां का है ये, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, उसकी बहुत अच्छी वाइफ है, तो ये स्टेटमेंट भी आप याद रख सकते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, बी मीन्स ब्लैक बी मीन्स ब्राउन, आया रॉय आर रेड ओ ऑरेंज वाई येलो, तो येलो तक आ गए, तो फिर आ जाओ ग्रेट जी मीन्स ग्रीन, ब्रिटेन बी ब्लू, हैज कुछ नहीं है, ए कुछ नहीं है, वेरी वी मीन्स वायलेट, जी मीन्स जी मीनस यहां पर ग्रे, डब्ल्यू मीनस वाइट, वाइट जो है वो वाइट को दिखेगा, डब्ल्यू आर गेटिंग मी, मगर ये यहीं तक देता है वाइट तक, क्योंकि उसके बाद अपने मुंह जबान याद रखना, उसके बाद सिल्वर गोल्ड होता है फिर सिल्वर होता है, ठीक है, तो इस फॉर्म इस स्टेटमेंट से अच्छा वही स्टेटमेंट है कि आप वही याद रखिए, ये भी ठीक है, कोई भी याद रखिएगा, तो ये चीज आप यूज करिए और आप इसकी रेजिस्टेंस निकालिए, बताइए इसका पहला कलर का जो है वो पहला बैंड है किस कलर का है, रेड, फिर चलो मैं मानता हूं ब्लू है, फिर ग्रीन और यहां सिल्वर है, बताइए इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, तो आर इज इक्वल टू ए बी इंटू टेन इज पावर सी प्लस माइनस ए, ए क्या है इधर, तो ए पहला कलर होगा, क्या है रेड, तो रेड को कौन सा वैल्यू दिया गया है, तो ए इधर रेड, रेड का टू है तो इधर टू लिखना पड़ेगा, आर यू गेटिंग मी, उसके बाद बी है ए बी, तो बी क्या है यहां पर, बी जो है यहां पर वो ब्लू है, इधर दूसरा बैंड जो है वो ब्लू कलर का है, तो ब्लू के पास जाइए, ये है ब्लू और इसका वैल्यू है सिक्स, तो यही दो वैल्यू देने हैं, पहले दो सिग्निफिकेंट कलर के दो कलर जो होंगे, दो पहले दो कलर्स वो ए बी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स देंगे, मतलब कि वो डिजिट्स इसी से निकालने हैं, तो ब्लू है तो ब्लू को क्या है सिक्स, तो इसका आ जाएगा 26 इंटू टेन इज पावर सी, तो इसका मतलब है कि तीसरा कलर जो होगा वो सी देगा ग्रीन, मगर वो मल्टीप्लायर देगा, तीसरा बैंड या तीसरा कलर आपको क्या देता है मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर, और पहले दो कलर्स क्या देती है आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये दो नंबर्स, तो फिर यहां पर मल्टीप्लायर आ जाएगा, तो तीसरा कलर आपको मल्टीप्लायर देगा, तो तीसरा कलर क्या है ग्रीन, तो इधर देखिए ग्रीन को, ये ग्रीन है तो इसका मल्टीप्लायर 5 नहीं है, ये डिजिट है सिग्निफिकेंट डिजिट, तो मल्टीप्लायर है 10^5, तो 10^5 होगा, तो 10^5 प्लस माइनस ए, ए मीनस टॉलरेंस, चौथा कलर जो होगा वो आपको बता देगा इसकी कितनी परसेंटेज एरर हो सकती इस रेजिस्टेंस में, तो सिल्वर है तो सिल्वर, तो ये सिल्वर है तो परसेंटेज कितनी आएगी 10%, तो 10% का
एरर आ सकता है। तो इतने ओम्स यानी कि 26 इंटू 10 इज पावर 5, चलो 10% तो पता है वो बहुत कम होता है, मगर 26 इंटू 10 इज पावर 5 कितना हो गया? वो हो गया मुझे लगता है कि लगभग 2 मिलियन, आर यू गेटिंग मी, 2.6 इंटू 10 इज पावर 2 मिलियन, 2 मिलियन ओम इसकी रेजिस्टेंस है। किसकी? इस कार्बन रेजिस्टर की। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि अगर आपको रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू जो मैंने इससे पहले बोला था कि वायर बाउंड रेजिस्टर्स, उससे अगर आपको अधिक रेजिस्टेंस चाहिए, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, तो आप कार्बन रेजिस्टर यूज करिएगा। देखिए इस कार्बन रेजिस्टर की कितनी रेजिस्टेंस निकली, मतलब कि लगभग इसकी 2.5 मिलियन रेजिस्टेंस निकली, 2 मिलियन ओम में है ये सारे वैल्यूज, आर गेटिंग मी। तो यहां पर मैं अब आपको एक असाइनमेंट देता हूं, जो मेरे पास अभी तक रजिस्टर था वो ये है कि बताइए इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो आपने इसको ऐसे लेना कि ताकि 3 कलर्स आपने पहले लेने, तो चौथा कलर आपको बाद में लेना है। तो बताइए यहां पर मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप इसका जवाब कमेंट में लिख लीजिए, ठीक है? तो इसका जो पहला कलर है वो है ऑरेंज, याद रखिए पहला कलर क्या है? ऑरेंज। और दूसरा कलर जो है वो है व्हाइट, क्या है? व्हाइट। दूसरा कलर इसका व्हाइट है। और तीसरा कलर जो है, तीसरे बैंड का जो कलर है वो है ब्लैक, याद रहा? तो पहला कलर क्या है? ऑरेंज, दूसरा व्हाइट, तीसरा ब्लैक, और चौथा जो दूरी पे है वो कौन सा कलर है? वो है गोल्ड। इस रेजिस्टर, इस कार्बन रेजिस्टर की, कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालिए, कमेंट सेक्शन में इसकी रेजिस्टेंस मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? तो इसकी रेजिस्टेंस मुझे चाहिए, ठीक है? तो दीज आर दी कार्बन रेजिस्टर्स, और इनकी रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कलर कोड से कैसे निकालते हैं, वो फार्मूला मैंने आपको दे दी। आर इज इक्वल टू ए बी इंटू 10 इज पावर सी प्लस माइनस ए। तो ए आपको पहला कलर देगा, बी आपको सेकंड कलर देगा, सी आपको थर्ड कलर देगा, और ए आपको चौथा कलर देगा। तो मैक्सिमम इसमें 4 कलर हो सकते हैं और मिनिमम इसमें 3 कलर हो सकते हैं। अगर 3 कलर होंगे तो ए तो नहीं होगा, बताइए ए के बदले क्या लिखेंगे? व्हेन देयर इज नो कलर तो टॉलरेंस होगी 20%, मतलब कि उसमें जो जितनी हमने वो रेजिस्टेंस निकाली है उसमें लगभग 20% का एरर हो सकता है, या तो 20% ज्यादा होगी या तो 20% कम होगी उसकी रेजिस्टेंस। सो दीज आर द कार्बन रेजिस्टर्स, इन पे क्वेश्चन डाला जाता है बीच बीच में कि इसकी रेजिस्टेंस निकालिए, अगर ये कलर दिए गए हैं तो बताइए इसकी रेजिस्टेंस क्या है। आप बोलेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो टेबल तो अब आपको मुंह जबानी याद है, उसके लिए तो स्टेटमेंट भी बोला मैंने, क्या? ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकेम वेरी ग्रेप व्हेन गिवन सिल्वर कलर, ठीक है? तो ये चीज याद रखिए, या बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइब, ठीक है? और भी बहुत सारे स्टेटमेंट, कुछ ऐसी स्टेटमेंट है कि मतलब कि जो एक टीचर को शोभा नहीं देते हैं कि वो बनाना, क्योंकि वो बहुत फनी भी है और बहुत, मैं आपको ये बता दूं कि वो शूट नहीं करते, मैं यही बता दूंगा, ठीक है? तो ज्यादा गूगल मत करिए इस पे, जो मैंने यहां पर आपको स्टेटमेंट दिया यही चीज याद रखिएगा, इसके सिवा मैंने कोई स्टेटमेंट अच्छा नहीं देखा। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकेम वेरी ग्रे व्हेन गिवन सिल्वर कलर, ठीक है? अब यहां पर मैं इसको कंक्लूड करने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि हमने ओम्स लॉ पढ़ा, तो ओम्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता है, वो हमेशा सेटिस्फाई नहीं होता। वी इज नॉट ऑलवेज प्रपोर्शनल टू आई, ये नहीं होता है, क्योंकि कुछ इसमें लिमिटेशंस है। ये ओम्स लॉ जो है इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ये न्यूटन की तरह जो न्यूटन ने दिया था ग्रेविटेशनल लॉ, वो जो है वो यूनिवर्सल लॉ है। पानी मीडियम ले लो या वैक्यूम में ले लो, अरे जहां ले लो, तो दो बॉडीज के बीच में उनका मास अगर होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उसके लिए वही लॉ है। F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वही लॉ है, दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ। बट ये जो इसका लॉ है इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशन मैं जल्दी जल्दी क्लियर कर दूंगा। पर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्यों वैलिड नहीं हुआ, यानी कि कहां कहां पे वैलिड नहीं हो रहा, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो जहां पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, जहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, जिन सर्किट्स में या जिन रेजिस्टर्स में या जिन सर्किट्स में वी इज नॉट प्रपोर्शनल टू आई, उन सर्किट्स या उन रेजिस्टर्स या उन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बोलते हैं हम नॉन ओमिक रेजिस्टर्स या नॉन ओमिक डिवाइसेस। क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक,
नॉन ओमिक मीनिंग यहां पर ओमजला अप्लाई नहीं होता, नॉन ओमिक डिवाइसेस या रजिस्टर्स या सर्किट, ये चीज याद रखिए। तो कौन है, तो पहली बात आपको ये बता दूं मैं आपको कि जो ओम्स लॉ है वो मेटालिक कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड होता है, मतलब कि मेटालिक कंडक्टर्स में करंट इज प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि अगर वी और आई का ग्राफ डालें तो वो एक स्ट्रेट कर्व दिखेगी। चलो मैं पहले मेटालिक कंडक्टर ही लूं, ये मैंने मेटालिक कंडक्टर लिया और ये मैंने उसका वी आई ग्राफ बनाया, ठीक है, क्या बनाया, वी आई ग्राफ, तो वो कैसा निकलेगा, स्ट्रेट निकलेगा। बट जब बहुत ज्यादा करंट होती है ना, बहुत ज्यादा करंट या बहुत ज्यादा वोल्टेज, जब ज्यादा ज्यादा वोल्टेज पे जाते हैं, ज्यादा ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पे जाते हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, ये थोड़ी डिविएशन दिखाता है, मतलब कि करंट थोड़ी डिक्रीज होती है। तो ये यहां से जाएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रही है तो ये थोड़ी डिविएशन इधर दिखा रहा है ऐसे। तो अब आप बोलेंगे कि सर अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रही है तो करंट तो लगभग अब बढ़ नहीं रही है, वो थोड़ी डिक्रीज हो रही है, मतलब कि कॉन्स्टेंट ही रह रही है, इसके आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि जो गुड कंडक्टर्स है, जो मेटालिक कंडक्टर्स है, जहां पर ओम्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा था वहां पर भी नहीं हो रहा, एट हायर वोल्टेज हायर पोटेंशियल डिफरेंसेस पे वो, या एट हायर करंट्स वो वैलिड ही नहीं रहता, मतलब कि वी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू आई, तो इसका मतलब कि वो भी वहां पर नॉन ओमिक बनता है। नाउ द क्वेश्चन इज सर क्यों वो नॉन ओमिक बनता है, वहां पर करंट क्यों नहीं बढ़ रही है। आपको मैं एक बात बता दूं, करंट का एक इफेक्ट होता है जो आगे भी पढ़ना है आपने, और इससे पहले भी टेंथ में थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा होगा आपने, वो ये है, सॉरी हाँ, वो ये है कि ये जो करंट है इसका एक हीटिंग इफेक्ट होता है, जिस कंडक्टर के थ्रू करंट जा रही है तो वो कंडक्टर हीट अप होता है, और आपको पता है अगर इस करंट से ज्यादा ज्यादा करंट बढ़ा दे तो जो गुड कंडक्टर है आपके पास, मेटालिक कंडक्टर है आपके पास, वो हीट अप हो जाएगा एट हायर करंट्स और एट हायर वोल्टेजेस। जब वो ज्यादा हीट अप हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, आर यू गेटिंग मी, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी कि इसका जो स्लोप है वो ज्यादा निकलेगा, यहां पर स्लोप कम है यहां पर स्लोप ज्यादा है, अरे एंगल एंगल टैन थीटा, यहां पर टैन थीटा इसका ज्यादा है, यहां पर टैन थीटा कम है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो दैट इज वाई ये थोड़ी डिविएशन दिखाता है वहां पर, पता है क्यों, बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, तो उसकी वजह से करंट कम हो रही है, मतलब कि पोटेंशियल बढ़ा दो, तो एक स्टेज ऐसा आएगा गुड कंडक्टर में, मेटालिक कंडक्टर में, जहां ओम्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है वहां पर भी ओम्स लॉ फिर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बट एट हायर वोल्टेजेस, क्योंकि जब वहां बहुत ज्यादा करंट होती है तो उस करंट की वजह से वो कंडक्टर जो होता है हीट अप होता है, और हीट अप की वजह से कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस थी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा फॉर द गुड कंडक्टर्स मेटालिक कंडक्टर्स, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, यहां पर टैन थीटा आपको पता है कि वही स्लोप देता है, तो वो ज्यादा बढ़ गया तो यहां पर ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ये चीज याद रखिए कि करंट यहां पर क्या होगी, यहां पर वो प्रोपोर्शनल टू वी नहीं होगी। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। तो सेकंड लिमिटेशन इसकी क्या है, वो आपने अभी नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे बी पेपर में, तो मगर मैं यहां पर पॉइंट आउट कर दूंगा उसको, कि सेमीकंडक्टर्स में एक चीज होता है उसको बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं डायोड, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो उस डायोड का जो अगर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक डालेंगे, यानी कि वी आई ग्राफ वोल्टेज और करंट के बीच में, उस डायोड के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस, वो सेमीकंडक्टर का होता है, तो उसका जो ग्राफ होता है कुछ यूं होता है, देखिए इधर देखिए एक सेकंड, तो किसका, सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में अगर आप डायोड्स लेंगे तो डायोड्स का जो वी आई ग्राफ होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, क्या होता है, स्ट्रेट नहीं होता, मतलब कि जो डायोड्स है दीज आर नॉन ओमिक डिवाइसेस, देन दीज आर नॉन ओमिक डिवाइसेस, क्योंकि यहां पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। तो आप देखिए उनका वी आई ग्राफ कैसा होता है, उनका वी आई ग्राफ कुछ यू होता है, अगर इस एक्सिस के अलावा मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ले ली और इस वाई एक्सिस के अलावा मैंने क्या करंट ले ली, तो उनका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है उनका ग्राफ। तो आप बोलेंगे कि सर ये क्या, इसका मतलब है कि मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं, तो अभी आपको वो समझ में नहीं आया कि फॉरवर्ड बायसिंग और बैकवर्ड बायसिंग, मगर मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस ये डायोड को अप्लाई किया, किसको, डायोड को, डायोड की सिंबल ऐसी होती है, उसकी जो सर्किट सिंबल है ये है, तो दिस मीन्स पी टाइप, दिस मीन्स एन टाइप,
तो आप भूल जाइए वो सब, मगर मैंने यहां पर बोलना है। तो इसको ही हम इस डायोड को बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो इस बैटरी को कनेक्ट, इस डायोड को अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं बायसिंग करना। अगर ये जो पी टाइप जो ट्राइंगल टाइप होता है इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये जो डायोड बना, अगर पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल यानी कि मैं पोलैरिटी चेंज करूं तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड बायसिंग। तो वो मैं इधर दिखा रहा हूं, मतलब कि वोल्टेज ही मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो अगर मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं तो चलो 5 वोल्ट पे, फॉर एग्जाम्पल 5 वोल्ट पे इसकी जो करंट है, पहली बात यह कि वो जो ग्राफ है इसका, वो जो ग्राफ है इसका, तो वो स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व्ड है। तो इसका मतलब कि ये नॉन ओमिक है, मतलब कि यहां पर ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होता। तो चलो मैं फिर से यहां पर एक और पॉइंट नोट आउट करता हूं, वो ये है कि अगर 5 वोल्ट फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब कि करंट ये जो मैंने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी, फॉरवर्ड बायसिंग मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो 5 वोल्ट पे जो इसके अंदर करंट थी, सपोज दैट इज 3 मिली एम्पियर, कितनी थी 3 मिली एम्पियर। अगर मैं रिवर्स बायस कर दूं, मतलब कि अब मैं ये नेगेटिव कर दूं और ये पॉजिटिव कर दूं, तो 5 वोल्ट ही ले लूं, तो फिर इधर 5 वोल्ट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये सिंपल है। अभी वो तो भूल जाइए आप ये सेमीकंडक्टर कैसा है, ये पी टाइप एन टाइप क्या होता है, मगर मैं बोल रहा हूं कि अब मैं क्या कर रहा हूं, फॉरवर्ड बैकवर्ड बायसिंग, आर यू गेटिंग मी। तो जब मैं या रिवर्स बायसिंग, तो जब मैं बैकवर्ड बायसिंग करता हूं, जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज जो है उसकी साइन चेंज कर रहा हूं, तो 5 वोल्ट पे करंट जो आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 3 मिली एम्पियर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, आर यू गेटिंग मी, क्योंकि इस पोटेंशियल डिफरेंस पे यही करंट आती है। तो अगर आप इस पोटेंशियल को नेगेटिव कर देंगे तो करंट भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव होनी चाहिए। तो मगर ऐसा नहीं देखा जाता है, यहां पर एक और प्रॉब्लम है, यहां पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप जो करंट देखेंगे ना वो 2 माइक्रो एम्पियर होगी, मतलब कि बहुत कम करंट होती है, मतलब कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, बस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की साइन चेंज कर दी थी, तो करंट जो थी उस पोटेंशियल डिफरेंस पे वो वही होनी चाहिए थी, मगर उसकी भी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। यहां पर डायरेक्शन अपोजिट ही नहीं निकल रही है, यहां पर उसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट निकल रहा है, मतलब कि फ्रॉम द ओम्स लॉ हमें इतना ही नहीं पता कि वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, इतना ही नहीं पता, यहां से हम एक और चीज निकाल सकते हैं कि एक करंट पे एक पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होगा, मतलब कि ये 1:1 फंक्शन होगी अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, मतलब जो ओम्स लॉ है वो आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक करंट देता है, मगर यहां पर एक ही पोटेंशियल डिफरेंस के कारण तो जो करंट आ रही है वो यूनिक नहीं आ रही है, वो डिफरेंट आ रही है। तो दैट इज वाई ये भी एक लिमिटेशन है, किसकी, ओम्स लॉ की। हाँ, इसी का एक और मैं कंपोजिट सेमीकंडक्टर लेता हूं, उसको बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड। अगर हम गैलियम आर्सेनाइड है ना एक मटीरियल होता है सेमीकंडक्टर, उसमें पढ़ना है उधर पढ़ना है ये, तो इसलिए मैं यहां पर पॉइंट आउट करता हूं वो एग्जाम्पल। तो अगर हम गैलियम आर्सेनाइड एक कंपोजिट सेमीकंडक्टर होता है, अगर हम इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक देख ले, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ देख ले, वो कुछ यूं होता है, थोड़ा स्ट्रेट होगा, लीनियर होगा, ओम्स लॉ सेट्स पे होगा, फिर कॉन्स्टेंट रह रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा ग्राफ आ रहा है उसका। तो आप देखिए यहां पर आपको रेजिस्टेंस पॉजिटिव मिलेगी इस रीजन में आपको रेजिस्टेंस नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो यहां पर टैन थीटा होता है, स्लोप जो होता है, वही आपको रेजिस्टेंस देता है आईवी ग्राफ का, पता है ना, मैंने नोट करवाया था, आईवी ग्राफ का जो स्लोप होता है टैन थीटा, वही आपको रेजिस्टेंस देता है। देखिए इसका टैन थीटा इस वाले आर्म का, तो वो टैन थीटा ये होगा, तो थीटा इज एक्यूट, तो टैन थीटा, अगर थीटा एक्यूट होगा तो टैन थीटा जो निकलता है वो निकलता है पॉजिटिव, क्या निकलता है पॉजिटिव। यहां पर अगर आप इस कर्व का टेंजेंट डाल दे और फिर उसका थीटा देख ले, तो थीटा यहां पर क्या है, चलो मैं थीटा प्राइम लिखता हूं, वो ऑब्टूस होगा, तो टेन थीटा प्राइम वो क्या होगा, जब एंगल जो यहां पर होगा अगर वो ऑब्टूस होगा, तो टेन ऑफ ऑब्टूस एंगल हमेशा नेगेटिव निकलता है। तो इसका मतलब है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस पे गैलियम आर्सेनाइड जो है वो आपको किसी करंट पे क्या देता है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस, और किसी पोटेंशियल डिफरेंस पे वो नेगेटिव रेजिस्टेंस देता है, और किसी पॉइंट पे कोई रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं करता। तो मतलब कि
ये अलग किस्म का बिहेवियर दिखा रहा है। और पहली बात ये कि आईवी का ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, मतलब कि ओमजलाब फेल हो गया पहले ही। मगर यहां पर एक और बात है कि अगर आप ये वाला पॉइंट ले, ये वाली करंट ले, तो इस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको दो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी। एक पोटेंशियल डिफरेंस पे आपको पॉजिटिव रेजिस्टेंस मिलेगी और दूसरे पॉइंट पे आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलेगी। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल जो मुझे बोलनी थी किसके बारे में, विच आर गोइंग आउट ऑफ द ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ के टोटली अगेंस्ट जा रही है। तो दैट इज वाई यहां पर ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने आपको बोला था उधर वी इज इक्वल टू आई आर, ये जेनेरिक रिलेशन नहीं है। आर इज इक्वल टू वी बाय आई इज द जेनेरिक रिलेशन। तो मतलब कि यहां पर भी अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो V by I, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो निकालिए, वो आपको रेजिस्टेंस देगा इस पॉइंट पे क्या रेजिस्टेंस। तो इसीलिए मैंने उस टाइम बोला था कि जो ओम्स लॉ है, दो ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, मगर ये जिस चीज को बल देता है वो है रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस की जो रिलेशन निकली फ्रॉम द ओम्स लॉ वो निकलती है V by I, बट दिस थिंग फ्रॉम द ओम्स लॉ इज ए जेनेरिक थिंग, ये एक जनरल रिलेशन देता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। जब आप इनका ये इन रेशो लेते हैं, जो वो देते हैं वो रेजिस्टेंस उस पोटेंशियल डिफरेंस पे देता है। मतलब कि चाहे आपका ओम्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है या चाहे आपका नॉन ओमिक डिवाइस है या नॉन ओमिक सर्किट है, रेजिस्टेंस हमेशा वी बाय आई ही होती है। आर गेटिंग मी? तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी, तो इतना क्लियर हो गया मुझे लगता है। तो रेजिस्टेंस के क्या टाइप्स है और रेजिस्टेंस ये जो ओम्स लॉ है इसकी क्या लिमिटेशन है, ये तीन लिमिटेशन याद रखिएगा। फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है कि विच डिवाइस, कौन सा सर्किट है, तो वहां पर ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आप बता सकेंगे इन तीनों में से कोई भी ले लो तो बता देंगे। मतलब कि प्योर मेटेलिक कंडक्टर्स में भी ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होता, बट एट हायर वोल्टेजेस, क्योंकि उस टाइम करंट ज्यादा होगी तो करंट की वजह से ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा एक मेटेलिक कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस बढ़ ही जाती है। तो दैट इज वाई रेजिस्टेंस बढ़ी तो करंट को थोड़ा अपोज किया, दैट इज वाई करंट नहीं बढ़ी उस टाइम। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।